अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ़। आप देख रहे हैं आतिफ़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 4000 घंटे वॉच टाइम कैसे 40 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, विद प्रूफ दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो 4000 घंटे वॉच टाइम क्या होता है? तकरीबन 240000 मिनट होते हैं, टोटल 240000 मिनट समथिंग इस तरह बनते हैं। ठीक हो गया दोस्तों, इसको आप बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। जो तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, आगे जाके आपको स्क्रीन रिकॉर्ड पे बताऊंगा आप किस तरह 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हैं अपने मोबाइल से बहुत फास्ट। 40 दिन का मैं टाइम देता हूँ, 40 दिन में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगी अगर आप इस तरह स्टेप फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले आपने एक घंटे की वीडियो अपलोड करनी है। अब एक घंटे की वीडियो, आप लोग कहेंगे कि मैं कैसे एक घंटे की वीडियो अपलोड करूंगा, मैं आपको बताता हूं। आप कहीं जा रहे होते हैं, कहीं घूम रहे होते हैं, आप अपनी वीडियो बना लें। ठीक हो गया, आप कोई काम कर रहे हैं उसकी एक घंटे की वीडियो बना लें और वो YouTube पर अपलोड कर दें। उसका फ़ायदा क्या है अब वो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब एक घंटे की वीडियो अपलोड कर दिया आपने, अब आगे आपने क्या करना है, स्टेप को ध्यान से सुनना, बिल्कुल मिस मत करना। ठीक हो गया दोस्तों, एक घंटे की वीडियो आपने अपलोड कर दी, अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है वीडियो स्पीड में। इस तरह मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट चल रहे होंगे, इधर भी आप लोग देख सकते हैं। वीडियो स्पीड में जाके 3 डॉट पर क्लिक की, वीडियो स्पीड पर क्लिक करेंगे। वीडियो स्पीड में सबसे 0.25 पे क्लिक करना है। अब अगर ये एक वीडियो है एक घंटे की, तो तकरीबन ये 4 घंटों में ख़त्म हो जाएगी। ठीक हो गया, ये 4 घंटों में ख़त्म हो जाएगी। 4 घंटों में अगर एक वीडियो ख़त्म होती है, तो अगर आपके घर में 5 अफराद है, रात को सोते वक्त आप उनसे मोबाइल ले लें, 5 अफराद के मोबाइल से आप 1 घंटे की वीडियो प्ले करें, प्लेलिस्ट बनाएं। आपकी अगर 2 घंटे की वीडियो भी हो तो भी और भी अच्छी बात है। ठीक हो गया, कोई ऐसा मसला नहीं है, और अच्छी बात है। आपका वॉच टाइम ज़्यादा काउंट होगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। तो इस तरह आप अपनी वीडियो की वॉच टाइम जो है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। मैं भी इस तरह कर रहा हूँ खुद, मेरा भी वॉच टाइम अभी चल रहा है, तकरीबन हो गया, समझते हैं आप लोग। तो इस तरह आप अपनी वॉच टाइम ज़्यादा कर सकते, बात ये। और दूसरी बात ये कि हमारा चैनल सर्च में क्यों नहीं आता। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि चैनल सर्च में क्यों नहीं आता? जब आप न्यू चैनल बनाते हैं तो आपको कुछ नहीं पता होता कि चैनल कीवर्ड क्या होते हैं। चैनल कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप, मेरा अभी न्यू चैनल है, तकरीबन 2-3 दिन पहले मैंने बनाया है, तो आप लोग सर्च करें आतिफ़ ऑफिशियल, top 3 में मेरा चैनल आता है। किस तरह आता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। चलो, आपने कीवर्ड में अपने चैनल का नाम 2-3 बार लिख लेना है। ठीक हो गया दोस्तों, चैनल कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने क्या करना है, अबाउट में भी अपना चैनल का नाम लिख लेना है, ज़रूरी अबाउट में भी अपना चैनल का नाम लिख लेना है। इसके बाद हर जगह आपने अपना चैनल का नाम लिख लेना है। कन्फर्म हो गया, कीवर्ड में भी आपने लिखना है, अबाउट में भी लिखना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखना है। हो सके तो हैशटैग का इस्तेमाल ज़्यादा करें अपने चैनल का नाम। जो भी हैशटैग लिखेगा आपका चैनल उसके सामने आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया।